क्रिप्टो चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट एकेडमी। तो ये डाउट सेशन है, ये वही जो इंडिया की बेस्ट टेस्ट सीरीज है उसका क्वेश्चन है, DSSBPRT का। किसका? DSSBPRT का, ठीक है ना। मैं आप लोगों को भी कह रहा हूँ कि अगर आपको कोई टॉपिक कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं कराऊंगा, ठीक है ना। लेकिन कोई बात नहीं, जिस बच्ची ने मुझसे पूछा है मैं उसके लिए सोल्यूशन डाल रहा हूँ, और अगर आप चाहो तो आपको भी ये मदद करेगा, ठीक है ना। कैसे मदद करेगा ये तो मैं नहीं बता सकता, मदद जरूर करेगा सीखोगे तो, ठीक है ना। एग्जैक्टली ये क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन कंसेप्ट तो वही रहता है। एक व्यक्ति ने 4 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा का मतलब होता है अपस्ट्रीम, धारा की दिशा में मतलब डाउनस्ट्रीम। तो एक है अपस्ट्रीम, मैं समझा रहा हूं इसलिए लिख रहा हूं, वरना डायरेक्टली मैं इक्वेशन बना के भी कर सकता हूं। अपस्ट्रीम में स्पीड कितनी होती है एक्स माइनस वाई, और डाउनस्ट्रीम में स्पीड कितनी होती है एक्स प्लस वाई। इसमें डिस्टेंस है 24 किलोमीटर, इसमें डिस्टेंस है 72 किलोमीटर, इसमें टाइम है 4 घंटे, उसमें भी टाइम है 4 घंटे। तो स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस स्पीड कितना है एक्स माइनस वाई, डिस्टेंस है 24, टाइम है 4, तो एक्स माइनस वाई बराबर 6। और यहां से स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 72/4, 4 एकम 4 18, तो एक्स प्लस वाई बराबर 18। अभी मैं इसको देखो दो तरीके से कराऊंगा, एक तरीका वो जो शॉर्ट ट्रिक के नाम पे बेचा जा रहा है वो बहुत अच्छा है, ठीक है ना। पहले अब हम क्या करेंगे, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर देंगे। ये चला जाएगा 2x बराबर 24, x बराबर 12, x बराबर 12 तो y बराबर 6, ये आ गया। और मैंने क्या कहा था, x क्या होता है, नदी की स्पीड नहीं होती, x होता है बोट की या फिर आदमी की। अब वो किसकी स्पीड पूछ रहा है, आदमी की, तो आदमी की स्पीड क्या होगी x, और x कितना है 12, कितना है 12, तो 12 आपका आंसर हो गया। इसको करने का एक और तरीका हो सकता है, देखो कैसे, अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी हो गई थी 6, डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी हो गई थी 18। अगर x पूछे, x का मतलब होता है व्यक्ति की स्पीड या बोट की, तो होता है अप प्लस डाउन प्लस अप बाय 2, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। ये कहां से आया, ये कहीं से नहीं आया, अगर आप ढंग से देखो तो ये 2 नीचे जा रहा है, ठीक है ना, ये वही कैलकुलेशन हो रही है, बस दिखाया नहीं जा रहा, ठीक है ना। और अगर वो y पूछ लेता, y मतलब नदी की स्पीड, तो हो जाता डाउन माइनस अप बाय 2। आप ऐसे भी कर सकते थे, आपसे x पूछा है तो अप प्लस डाउन 18/24/2 12। ये फॉर्मूले कहां से आए मैंने बता दिया, अप स्ट्रीम होता है एक्स माइनस वाई, डाउन स्ट्रीम होता है एक्स प्लस वाई। अगर दोनों को जोड़ोगे तो डाउन प्लस अप इक्वल टू 2x, तो x इक्वल टू डाउन प्लस अप बाय 2। तो एक्चुअल में क्या है, ये यही चीज है जो हम कर रहे हैं, लेकिन बस शॉर्टेस्ट फॉर्म में दिखाई जा रही है, और अच्छा है, बुरा नहीं है, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहली चीज है कंसेप्ट। आगे, एक निश्चित राशि पर 3 वर्षों में 12% में इतना साधारण ब्याज, तो SI का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू R इंटू T बाय 100। तो यहां से P क्या आ जाएगा, SI इंटू 100 अपॉन R इंटू T। SI कितना है 6750, 100 R, R कितना है आपके पास 12, T कितना है 3, 3 से 3 × 6, 3 × 6, 3 × 6, 3 × 6, 15, 0 और ये 12, ये 4 से 3, 4 से 25, 3 से 3 सत्ते 21, 3 पंदे 15, 0, तो 750 × 25, ये आ गया प्रिंसिपल। गुणा भी कर सकता हूं, लेकिन आगे देखो, यदि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो, मतलब हाफ ईयरली है, ठीक है ना, पी यही है जो इसको लेके चल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, टाइम 2 ईयर है, तो सीआई पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है सीआई, और ये हाफ ईयरली है। हाफ ईयरली में क्या करते हैं, याद है ना, हाफ ईयरली में आप क्या करते हो, रेट को 2 से डिवाइड करते हो और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। अब पहले अमाउंट का फॉर्मूला निकालो, अमाउंट का फॉर्मूला P1 + R/100 की पावर टाइम, सब निकल जाएगा। यहां से अमाउंट निकलने के बाद सीआई का फॉर्मूला क्या होता है, A - P, आप सॉल्व करोगे, आपको क्या मिल जाएगा, आंसर, ठीक है ना। चलो देखो, एक आदमी ने 32 किलोग्राम अंगूर खरीदे, कितने रुपए के, ए
32 किलोग्राम अंगूर खरीदे कितने रुपए के? 960 रुपए के, और उन्हें सुखाकर किशमिश बना दिया। और ये खरीद है और बेच कैसे रहे? 1 किलोग्राम 65 रुपए का। लेकिन किशमिश और अंगूर का वजन तो अलग होगा ना, तो ये कह रहा है 1 किलोग्राम अंगूर से 800 ग्राम किशमिश बने, तो 1 किलोग्राम अंगूर से कितना बना? 800 ग्राम किशमिश। तो 32 किलोग्राम अंगूर से कितने बने होंगे? 32 गुणा 800, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 एक, 8 3 24 और 1 25, 1000 से भाग कर दो क्योंकि ये तो ग्राम है, तो ये हो जाएगा 25.6 किलोग्राम। यानी कि उसने अगर देखा जाए तो जो उसके पास अंगूर थे वो अंगूर इतने किशमिश में कन्वर्ट हुए, तो 25.6 किलोग्राम किशमिश उतने 960 रुपए में खरीदे। 25.6 किलोग्राम किशमिश उसने 960 रुपए में खरीदे, इतने किशमिश बेचे होंगे, तो 25.6 किलोग्राम किशमिश, तो 25.6 गुणा 65, ये आपका कॉस्ट प्राइस है, ये आपका सेलिंग प्राइस है, दोनों आपके पास आ गया। अब आप निकाल सकते हो कि आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस, प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस, समझ आ रहा है? बस कह रहा है ए और बी मिलके कर देते हैं 8.75 दिन में, बी और सी मिलके कर देते हैं 8 दिन में, और ए करता अकेला 10 दिन में, तो सी अकेला उसे कितने दिन में करेगा ये बताओ। जैसे मैं एक एग्जांपल समझाता हूं, ए करता है 5 दिन में, बी करता है 10 दिन में, तो आपको लग रहा है ए और बी जोड़ के करेंगे 15 दिन में, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओ, जब अकेला ए उस काम को 5 दिन में कर दे रहा है और अकेला बी उस काम को 10 दिन में कर दे रहा है, तो दोनों मिलके 15 दिन में थोड़ा ना करेंगे, कम दिन में करेंगे। तो एक्चुअल में इसमें जब ए प्लस बी निकालना होता है तो हम रेसिप्रोकल करके ऐड करते हैं, क्या करते हैं? रेसिप्रोकल करके, और इसी चीज को छुपा के देखो, एलसीएम आएगा 50 सॉरी 10, 2 और 1, 3/10 यानी कि 10/3, इसी को छुपा के ऐसे दिखाया जाता है ए बराबर 5 बी बराबर 10, एलसीएम आ गया 10 2 1 10/3, समझे? रिप्रेजेंटेशन अलग है लेकिन हो काम वही रहा है, लेकिन जिसको कंसेप्ट पता ही नहीं कि रेसिप्रोकल करके ऐड होता है वो गलती कर देगा जब क्वेश्चन मैन्युफैक्चर करा जाएगा कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना? चलो अब देखो, मैं ए की वैल्यू को यहां रख दू तो बी आ जाएगा, और फिर बी की वैल्यू को यहां रख दू सी आ जाएगा, तो देखो तो बी कैसे निकलेगा देखते रहना, 1/8.75 - 1/10, समझ आया मैंने क्या किया? ए को उधर भेजूंगा तो माइनस ए हो जाएगा, लेकिन अब मैंने कहा ना रेसिप्रोकल होके ऐड हो रहे हैं, तो इसको भी रेसिप्रोकल करना है और बी को भी रेसिप्रोकल करना है। आप चाहो तो इसका एलसीएम ले सकते हो, ऊपर 100 आ गया, ठीक है ना? 8750 डायरेक्ट, कोई टेंशन नहीं है, 10 से गुणा करके ये आ गया, मान लिया। तो इधर किससे गुणा होगा? 10 से 1000, और वहां होगा 875, समझ आया? तो बस 1000 में से 875 गया तो कितना हो जाएगा? 125/8750, 25 आते 900, हाँ तो ये बी, लेकिन आपको पता रेसिप्रोकल होता है, तो ये जो आंसर आया वो 1/b आया, लिखते नहीं है, समझ आना चाहिए आपको। तो बी कितना हो जाएगा? 8750/125, हो सकता है ये इससे भाग हो रहा हो, अभी हम नहीं करेंगे। अब बी की वैल्यू को कहाँ रखना है? यहाँ पे, तो आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी? सी की। बी की वैल्यू को यहां रखोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? सी की। तो सी कैसे निकलेगा? 1/8 - 125/8750, समझ आया? बी की वैल्यू को रेसिप्रोकल करके, और जो वैल्यू आ रही है वो 1/c आएगा। अब इसका एलसीएम लोगे और सॉल्व करोगे और जो वैल्यू आएगी उसे फिर रेसिप्रोकल कर दोगे, और आपको इन चार में से एक आंसर मिल जाएगा, समझ आया? कंसेप्ट के साथ सुनना, ए जो है वो टंकी को 2 घंटे में भर देता है, लेकिन एक लीक हो रखा है जिसकी वजह से टंकी आधा घंटा देर से भर रही है, मान लो वो लीक है बी। तो अब ए और बी जब दोनों हैं तो कितने समय लग रहा है? 2 घंटा 2.5 घंटा, मतलब 5/2 घंटा। तो बी पूछ रहा है कितना होगा, सिंपल है, याद करो मैंने कहा था जो टंकी वाले क्वेश्चन होते हैं वो एग्जैक्टली टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन होते हैं, मतलब आदमी वाले
ये जो हम मैन और ये टाइम एंड वर्क वाले लगाते हैं, यही क्वेश्चन होता है एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको करना क्या है, बी निकालने के लिए इसको रेसिप्रोकल करो और इसको भी रेसिप्रोकल कर दो। एलसीएम आ गया 10, 4, 5। अब ये माइनस क्यों आया, क्योंकि ये हो रिसाव है, रिसाव मतलब लीक है, और लीक खाली करेगा तो माइनस में आएगा, तो आंसर आ जाएगा 10। ये समझ आया तो बताओ। देखो ये शॉर्ट ट्रिक जरूरी नहीं है हर बार, कंसेप्ट बहुत आसान है, समझ आया क्या किया, तो आंसर क्या आ जाएगा 10 घंटे। अब चाहे तो अब अपने आंसर को चेक कर सकते हो, मान लो ए भर रहा है 2 घंटे में और बी खाली कर रहा है 10 घंटे में, तो अब कैसे करोगे, एलसीएम लोगे 10, 5, 1, 10/4, यही तो था 2, 1/2, समझ आया। तो ऐसे करना है, समझ आया। तो अगर हर क्वेश्चन से सीखो, जरूरी नहीं है कि आपके पेपर में क्वेश्चन आए फाइनल पेपर में फिर आप कुछ गलत करो और तब जाके सीखो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप आज ही इसी से सीख लो और अपने पेपर में सही करो। कंटेंट पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।